साल में कोई आतंकवादी हमला नहीं है? 10 साल में कोई आतंकवादी हमला नहीं हुआ, कहीं भी नहीं हुआ। पुलवामा सर क्या था? पुलवामा इससे पहले की बात होगी। चलो सर, वो आपके कार्यकाल का ही तो है, व्यवस्था तो 10 साल से आपके हाथ में है। हमारी व्यवस्था है, 10 साल से कोई आतंकवादी हमले नहीं हुए। अब जो माहौल, चाहे वो राहुल गांधी हो, दूसरे देश में जाकर भारत का गौरव नीचा करने का काम करते हैं, उसी की ढपली अखिलेश यादव बजाने का काम करते हैं। हमारी सीधी सीधी मान्यता है कि राष्ट्र को कमजोर करने का काम ये लोग कर रहे हैं, सपा बसपा और कांग्रेस। 10 साल में कोई आतंकवादी हमला नहीं है? 10 साल में कोई आतंकवादी हमला नहीं हुआ, कहीं भी नहीं हुआ। पुलवामा सर क्या था? पुलवामा इससे पहले की बात होगी। चलो सर, वो आपके कार्यकाल का ही तो है। चलिए, हमारे यहाँ कब, जब तक जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, आप चैन की नींद सो रहे हो, मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूँ। जब से सीटें थोड़ी कम हुई हैं, देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी हैं, कोई बदलाव नहीं है, लेकिन आतंकवादी हमले अभी प्रारंभ हो गए इन्हीं के कारण से। ये तो राष्ट्र विरोधी ताकतों को बढ़ावा देने वाले लोग हैं जो देश के लिए घातक हो सकते हैं। आतंकवादी हमले के लिए आप सीधे समाजवादी पार्टी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? देखिए, हम उस व्यवस्था को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं जिन्होंने देश का नाम कमजोर करने का काम किया है। व्यवस्था तो 10 साल से आपके हाथ में है? हमारी व्यवस्था है, 10 साल से कोई आतंकवादी हमले नहीं हुए। अब जो माहौल, चाहे वो राहुल गांधी हो, दूसरे देश में जाकर भारत का गौरव नीचा करने का काम करते हैं, उसी की ढपली अखिलेश यादव बजाने का काम करते हैं। हमारी सीधी सीधी मान्यता है कि राष्ट्र को कमजोर करने का काम ये लोग कर रहे हैं, सपा बसपा और कांग्रेस। 10 साल में कोई आतंकवादी हमला नहीं है? 10 साल में कोई आतंकवादी हमला नहीं हुआ, कहीं भी नहीं हुआ। पुलवामा सर क्या था? पुलवामा इससे पहले की बात होगी। चलो सर, वो आपके कार्यकाल का ही तो है। चलिए, हमारे यहाँ कब, जब तक जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, आप चैन की नींद सो रहे हो, हमारी आंतरिक सुरक्षा भी मजबूत है और बाहरी सुरक्षा भी मजबूत है। आंतरिक सुरक्षा में पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, बाहरी सुरक्षा में सेना बहुत अच्छा काम कर रही है। हम लोग बहुत आराम से सोते हैं, सैनिक सीने पर गोली खाकर हमारी